लोकसभा चुनाव से पहले बिहार की सभी राजनीतिक पार्टियां वोटरों को लुभाने के लिए अलग अलग दावा कर रही हैं। लेकिन इसी बीच पप्पू यादव के पार्टी की तरफ से 24 तारीख को एक जबरदस्त घोषणा होने जा रहा है, जिसका नाम रखा गया है प्रतिज्ञा पत्र। इस प्रतिज्ञा पत्र में क्या कुछ है देखिए। सर, हाईकोर्ट के एफिडेविट के साथ आएंगे, जो देश में पहली बार होगा और खासतौर पर बिहार में आज़ादी के बाद आज तक कोई एफिडेविट करके नहीं देगा कि 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 12 महीना, 15 महीना, 2 साल, 3 साल, 3 साल में बाढ़ से मुक्ति और एशिया का नंबर 1 बिहार नहीं बना पाएंगे। तो एक दिन पहले आई एम द रिजाइन, आई लीव बिहार, किसी भी कीमत पर मैं दोबारा राजनीति में नहीं आऊँगा। 3 महीने के अंदर यदि जो मेरा वादा है वो नहीं कर पाऊँगा, उस दिन भी रिजाइन। 6 महीने के अंदर नहीं कर पाऊँगा, उस दिन भी रिजाइन। एफिडेविट के साथ आएंगे और मैं बिहार क्या चाहती है वो एक एक चीज़ उसमें अंकित है। यानी कि पब्लिक से आप 5 साल नहीं मांग रहे हैं, 3 साल बस। बाहर कैमरा, हर पदाधिकारी का ऑफिस में कैमरा, बाथरूम के बाहर कैमरा, और मैंडेटरी कर देंगे कैमरा बाजार में, और 4 महीने तक उसकी वैलिडिटी डेट रखेंगे उसके सीक्वेंस को लेने के लिए। 4 महीने के अंदर सरकार कभी भी मांग सकती है, जो नहीं दिया उसका लाइसेंस रद्द कर देंगे। और उस कैमरे में कोई आदमी छेड़ते हुए, गोली चलाते हुए, धमकाते हुए, पत्थर फेंकते हुए, उसकाते हुए, फेंकवाते हुए दिख गया, 3 महीने के अंदर 4 सीट, सबसे पहला वोटर लिस्ट से नाम गायब, कोई भी चुनाव वो बिहार का नहीं लड़ सकता। और दूसरा, सरकारी सारी अधिकार हम छीन लेंगे, ये लॉ कहता है, ना बिजली, ना पानी, ना बैंकिंग, कुछ नहीं। मौत से बदतर लाइफ बना देंगे उस नेताओं की, उस गंदे लोगों की जो हिंदू मुसलमान के ठेकेदार बन करके और जात पात का ठेकेदार सिर्फ आदमी को मार के बना है, उसकी ज़िंदगी तबाह कर देंगे, उसकी पूरी फैमिली की। तो वो नेता बनने का सपना सोचेगा सर, पप्पू यादव के रहते हुए कल्पना नहीं कीजिएगा सर। बेफिक्र रहिए सर, वो प्रतिज्ञा पत्र आने दीजिए, आपको सब कुछ दिखेगा। देखिए, बिहार के नए निर्माण की बात होगी इसमें, बिहार का जो गौरव खोया हुआ है वो वापस आएगा। बिहार में जो भ्रष्टाचार है, बेरोजगार की जो समस्या है, शिक्षा में सिर्फ माफियाओं का राज हो गया, स्वास्थ्य हाशिए पर चला गया, सुरक्षा के नाम पर सिर्फ कांड ही कांड हो रहे हैं, हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रही है, सुविधा के नाम पर पूरा पटना का हाल देख लीजिए कि 1 घंटा बारिश पड़ने पर पूरा पटना का क्या हाल होता है। तो ये सारे चीज़ों से मुक्त करने का ये हमारा प्रतिज्ञा पत्र रहेगा। प्रतिज्ञा पत्र में हम लोग देंगे कि 30 वर्ष आप लोगों ने उन लोगों को दिया, 3 साल सिर्फ हमें दीजिए। सर, वो अभी से है, बढ़ेगा छोड़ दीजिए, वो अभी से है। बिहार के गली गली, चौक चौक चौराहे पर चले जाइए, आदरणीय पप्पू यादव जी का नाम गूंज रहा है और वो लोग दिल में बसाए हुए हैं।